टूडे विल स्टार्ट विथ पैरापला ठीक है तो पहले तो इंट्रोडक्शन टू कोनिक पहले फॉर्मली डिफाइन कर लेते हैं कॉनिक इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट For which ratio of distances from a fixed point and from a fixed line is constant. ठीक है पहला ये हो गया अभी विल एक्सप्लेन इट उसमें नोट वन फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस नोट टू फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स एंड नोट थ्री कॉन्स्टेंट रेशियो Is called eccentricity. ठीक है जैसे सर्किल इज ऑल्सो लोकस ऑफ ए पॉइंट जिसका एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस बराबर हो ठीक है सर्किल ऐसे डिफाइन करते हैं <coughs> वैसे ही पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला के लिए कोनिक के लिए क्या होगा कि मान लिया हमें एक लाइन दे रखा है ऐसे करके कोई भी एक लाइन दे रखा है ऐसे एल एंड एक पॉइंट दे रखा है एस ठीक है तो हमने क्या बोला है कि इट इज़ लोकस ऑफ ए पॉइंट मान लिया पॉइंट पी है. ये ठीक है उस पॉइंट का लोकस जिसके लिए रेशो ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट तो मतलब फिक्स्ड पॉइंट एस से जो डिस्टेंस है एंड फिक्स लाइन एल से जो डिस्टेंस है मतलब ये डी वन डी टू इन दोनों डिस्टेंसेस का रेशो कॉन्स्टेंट आएगा ठीक है तो फिर जो कर्व ट्रेस होगा मतलब ऐसे हमने सारे पॉइंट ढूंढ लिए कांस्टेंट मान लिया फॉर एग्जांपल 1.1 है कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ले लिया से 1.1 तो फिर हमने ऐसे सारे पॉइंट्स ढूंढे जिनके लिए d1 वन अपॉइंट डी टू हो जाए तो ऐसे सारे पॉइंट क्या होगा हमेशा एक कॉनिक प्लई करेगा और कॉनिक क्या क्या हो सकता है पैराबोला एलिप्स हाइपाबोला एंड पेयर स्ट्रेट लाइन ठीक है इनमें से एक का होगा तो कॉनिक का वापस करेक्टरिस्टिक क्या है कि एक लाइन होगा एक पॉइंट होगा ये ठीक है ये दोनों फिक्स क्वांटिटी फिर हमने ऐसे सारे पॉइंट ढूंढे जैसे ये मान लें कोई दूसरा पॉइंट आ गया जिसके लिए ये रेशो वन पॉइंट वन है फिर मान लीजिए तीसरा पॉइंट आ गया फोर्थ पॉइंट आ गया फिफ्थ पॉइंट आ गया ऐसे सारे पॉइंट्स को मिला दिया हमने तो ऐसे करके जो डायग्राम बनेगा वो हमेशा कॉनिक का बनेगा ठीक है ओके तो फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस उसका नाम दे दिया मान लिया हमने से एस yes. फिर फिक्स लाइन इज़ कॉल्ड डायरेक्ट्रेस उसको हमने बोल दिया मान लिया एल एंड दिस कॉन्स्टेंट रेशियो इज़ कॉल्ड एसेंट्रिसिटी उसको हमने मान लिया डिनोट कर दिया इस्मी से ठीक है तो वापस इफ पी लाइज ऑन ए कोनिक ठीक है विद फोकस एस एंड डायरेक्ट्रिक्स एल देन पी एस अपॉन पी एल शुड बी ई ये ठीक है अगर हम ये बोलेंगे फोकस क्या है तो ये तो ऐसी बात होगी जैसे सर्कल में हम बोले सेंटर के हैं तो सेंटर एक पॉइंट है वैसे यहां पे एक फिक्स पॉइंट ऐसे वहाँ पे सर्किल में क्या होता है कि उस सेंटर से सारे पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे रहता है यहाँ पे क्या होगा कि फोकस से डिस्टेंस निकाला यहाँ पे दो क्वांटिटी फिक्स्ड है एक तो फोकस फिक्स्ड है एक पॉइंट है और एक लाइन है और लाइन से डिस्टेंस निकाला उन दोनों का रेशो हमेशा ई आएगा सॉरी <coughs> <coughs> और ई की जो डिफरेंट वैल्यूज आएगा ई इज़ नथिंग बट एसेंट्रिसिटी दैट इज कॉन्स्टेंट पहला चूज एंड यू शुड ऑल्सो अप्रिशिएट कि अगर पी एस अपॉन पी एल कॉन्स्टेंट है देन पी एल अपॉन पी एस मतलब इसका रेसिप्रोकल विल ऑल्सो भी कॉन्स्टेंट दिस विल ऑल्सो भी कॉन्स्टेंट बट दिस विल नॉट बी एसेंट्रिसिटी, ये ठीक है ये ये तो एसेंट्रिसिटी का रेसिप्रोकल होगा तो जब हमने बोला कि पॉइंट से डिस्टेंस एंड लाइन से डिस्टेंस का रेशो कॉन्स्टेंट है तो आई शुड इंश्योर कि पॉइंट से जो डिस्टेंस है एस से जो डिस्टेंस है वो न्यूमरीटर में आना चाहिए तभी उसको एसेंट्रिसिटी बोलेंगे अगर पी एल अप पी एस लिखा हुआ है तो फिर हम उसको पहले पलट लिया उसको मतलब रेसिप्रो ले लिया देन आई डिफाइन ठीक है ओके okay. अब इसमें केसेस बना लेते हैं कि कब कब कौन होगा केस वन इफ फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स ठीक है अगर बाई चांस वो जो फिक्सड पॉइंट है वो उसी लाइन पे लाई कर जाए मान ली ये लाइन एल है ठीक है फिक्स पॉइंट इसी पे लाई कर जाए एस ठीक है तो यहाँ पे मान ली हमने एक पॉइंट पी लिया जो कोनिक पे लाई करें तो उसके लिए क्या होगा ये जो डिस्टेंस है डी वन ये तो हो गया फोकस से डिस्टेंस और ये जो डिस्टेंस डी टू है ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस तो अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रहा है तो इस डायग्राम के हिसाब से d1 वन अपॉन डी कितना होना चाहिए e ठीक है अच्छा मेरे को p को ऐसे वेरी कराने कि d1 वन अपॉन डी टू कॉन्स्टेंट रहे ठीक है तो अगर फोकस लाइन पर लाई रहा है तो ये जो ट्राइंगल बनेगा पी क्यू एस ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया उसके लिए मान लिया मैंने ये एंगल थीटा ले लिया तो अब एक मिनट के लिए बाकी सब भूल जाओ इस राइट एंगल ट्राइंगल में डी वन अपॉन डी टू क्या हो जाएगा कोसेक थीटा तो इस डायग्राम के हिसाब से दिस शुड बी कोसेक थीटा ठीक है आई एम ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द पॉइंट्स वेयर पी कैन मूव ठीक है तो एक तो हमने जनरल पॉइंट ले लिया कि मान ली ये पॉइंट सेटिस्फाई करें अब पी कैसे मूव करेगा अगर ई e कॉन्स्टेंट है ये रेशियो कॉन्सटेंट है मतलब ई e कॉन्स्टेंट है मतलब कोसेक थीटा कॉन्स्टेंट रहना चाहिए कोसेक थीटा कॉन्सटेंट रहना चाहिए मतलब कि ये एंगल चेंज नहीं होना चाहिए तो अब अगर मैंने पॉइंट को यहाँ लिया तो नहीं ले सकते यहाँ लेने पे तो क्या होगा कि एंगल चेंज हो जाएगा या फिर यहाँ लिया नहीं ले सकते तो कहाँ ले सकते हैं ताकि ये एंगल चेंज ना हो वो हम इसी लाइन के ऊपर ही ले सकते हैं ऐसे करके ठीक है अगर मान लिया मैंने पी को यहाँ ले लिया तो भी ये एंगल सेम रहेगा तो इसलिए पी कहाँ मूव कर सकता है पी अब इस लाइन पर मूव कर सकता है ठीक है और जैसे इस तरफ एक आ गया वैसे इस तरफ भी एक लाइन आ जाएगा ज एंगल्ड एथीटा ठीक है तो इफ फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स देन लोकस ऑफ पी विल बी पेयर अस्ट्रेटमेंट ये ठीक है पासिंग थ्रू फोकस जिसे फोकस यहां से इसी से पास करें एंड मतलब इसमें हमें क्या क्या दे रखा होगा इसमें हमें फोकस दे रखा होगा डायरेक्टिस दे रखा होगा ई दे रखा होगा ठीक है तो उसके बाद मेरे को लोकस इन्हीं के टर्म्स में डिफाइन करना है तो जो ये वाली जो दो लाइंस आया है ये कहाँ से पास करा है से पास करा है और थीटा पे इंक्लाइंड है ये ठीक है एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा ठीक है अब क्वेश्चन में जैसे मैंने क्या बोला कि फोकस दे रखा है डायरेक्टर्स दे रखा है एंड एसेंट्रिसिटी दे रखा है थीटा तो कुछ दे नहीं रखा तो मैं ऐसे तो नहीं बोल सकता कि थीटा पे ग्लाइंड है तो नोन क्वांटिटी के टर्म से मैंने थीटा निकाला तो यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा को सेकेंड वर्स ई तो एट एन एंगल कोसेकंड वर्स ई ये ठीक है विद डायरेक्ट्रसेस ठीक है तो अब इसमें नोट क्या क्या हुआ कि बिकॉज कोसेक थीटा इज इक्व टू ई है इस वाले केस में और मेरे को पता है कि कोसेक का वैल्यू एक से छोटा नहीं हो सकता ठीक है यहाँ पे नेगेटिव तो हो नहीं सकता क्योंकि डिस्टेंसेस की बात करें सॉरी <coughs> तो ई e का वैल्यू या तो वन होना चाहिए या वन से बड़ा होना चाहिए अगर वन होगा तो कोसेक थीटा का वैल्यू वन कब होता है जब थीटा नाइन्टी हो जाए तो उसमें क्या होगा कि थीटा नाइन्टी होने का मतलब क्या है कि ये वाला एंगल नाइन्टी चाहिए तो ये ऐसे वर्टिकल लाइन आ जाएगा इधर से जो भी एंगल नाइन्टी चाहिए तो वो भी एक वर्टिकल लाइन आ जाएगा ठीक है तो इसके अंदर नोट वन फर्स्ट ऑफ ऑल एसेंट्रिसिटी ई शुड बी ग्रेटर देन इक्व टू वन पहला कंडीशन नोट टू इफ इज इक्व टू वन देन किसके अंदर चल रहा है जब फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर लाई कर रहा है, तब की बात है। इफ इज इक्व टू वन देन लाइंस विल बी मतलब जो ऐसे दो लाइन है ये दोनों वर्टिकल हो जाएगा तो एक ही जगह आ जाएगा यहां पे। तो लाइंस विल बी कोइंसिडेंट एंड विल बी पर पैनिकुलर टू डायरेक्ट्रेस और अगर मान लिया को सकती थीटा का वैल्यू एक से बड़ा है तो फिर दो डिस्टिंग लाइन आ जाएगा फोकस से पास करने वाला ठीक है मान लें को स थीटा का वैल्यू टू हो जाए तो कोई एक्थीटा का वैल्यू टू होने का मतलब एटा कितना हो गया थर्टी डिग्री तो एक थर्टी डिग्री पे एंटी क्लॉक वाइज और एक थर्टी डिग्री पे क्लॉक वाइज ये ठीक है डायरेक्ट्रेस के साथ बनाने वाली दो लाइन आ जाएगी आई होप दिस इज क्लियर दिस इज केस वन ये ठीक है केस टू इफ फोकस डज नॉट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स देन ठीक है अगर फोकस डायरेक्ट्रेस पर नहीं है मतलब फोकस अलग है और डायरेक्ट्रेस एल अलग है तो फिर क्या होगा तो फिर जो लोकस होगा वो इलिप्स हाइपाबोला और पैराबोला में से एक होगा और कब कब होगा देन लोकस ऑफ पी विल बी फर्स्ट केस पैराबोला इफ इज इक्व टू वन ठीक है दूसरा एलिप्स इफ ई इज लेस देन वन एंड ग्रेटर देन जीरो तो अंडरस्टूड है डिस्टेंस का रेश एंड थर्ड हाइपरबोला बोला इफ इज ग्रेटर देन वन ठीक है तो अगर मैंने मान लिया फोकस दे दिया डायरेक्टिव दे दिया फिर मैंने बोला कि ई e का वैल्यू वन के बराबर है तो लोकस क्या है ठीक है तो हम तुरंत पैराबोला नहीं बोलेंगे पहले तो जो फोकस और डायरेक्टिज़ दे रखा है उसमें मैं क्या करूँगा आई विल वेरीफाई की फोकस डायरेक्टिव पे तो लाइन नहीं कराए अगर फोकस डायरेक्टिव पे लाई कराए देन ईज इक्वल टू वन है तब तो ये आएगा पेयर ऑफ लाइन्स विच विल बी को इंसिडेंट एंड विल बी परपनिक टू डायरेक्टिंग तब तो लोकस पेयर ऑफ स्टेट लाइन आएगा <coughs> और अगर फोकस डायरेक्टिव पे लाइन नहीं कराए तब फिर पैराबल आएगा ठीक है आई होप दिस इज क्लियर ओके सेकेंड पॉइंट अब जैसे हमने बोला कि पी एस अपॉन पी एल इज इक्व टू ई है तो एस मान लिया मैंने अल्फा बीता है और एल मान लिया वाई इज इक्व टू एम एक्स प्लस गामा है ठीक है तो पी को जनरल पॉइंट मान लिया कोई भी एक्स कॉमा वाई जिसका लोकस निकालना है एक्स कॉमा वाई तो पी एस इज इक्व टू ई पी एल लिखा दिस विल बी पी एस स्क्वायर इज इक्व टू ई स्क्वायर पी एल स्क्वायर तो पी एस स्क्वायर आ जाएगा एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर एंड पी एल स्क्वायर विल बी एम एक्स माइनस वाई प्लस गामा होल स्क्वायर अपॉन वन प्लस एम स्क्वा पैंडिकुलर पी एल जो है वो लाइन से डिस्टेंस है पी एस जो है <coughs> वो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट है ये ठीक है अब इसका कोई यूज नहीं है तो मैंने ऐसे ही बताया इसको अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे तो इल गेट है टू डिग्री इक्वेशन ठीक है इल गेट टू डिग्री इक्वेशन वो जो टू डिग्री इक्वेशन है उसमें अल्फा आएगा बीटा आएगा एम आएगा ई e आएगा गामा आएगा इसके हिसाब से ठीक है अब इसको हमने ओपन कर लिया सारे टर्म्स को एक तरफ कर दिया और फिर हमने मान लिया कि जो इक्वेशन है वो जनरल टू डिग्री का जो इक्वेशन है उसके फॉर्म में आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बीवाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वस टू जीरो मान लिया यही क्वेश्चन आ गया इसका मतलब क्या है कि जो भी एक्सेस का एक कोफिशियन आया उसको मैंने ए बोल दिया ए बोलने का मतलब क्या है कि अब ये जो कोफिशेंट्स हैं ए बी एच जी एफ सी इसमें एन एल्फा बीटा गामा एम और ई e में कोई रिलेशन आ जाएगा ठीक है जो ए बी एच है ए वी एच जी एफ सी ये जो है ये इन जनरल हर कोफिशंट में अल्फा, बीटा, गामा एम और ई आएगा इन जनरल ठीक है मतलब दीज आर रिलेटेड तो अभी जो हमने ऊपर ये कंडीशन लिखा है कि अगर फोकस डायरेक्ट इस पर लाई कर जाए तो ये हो जाएगा ई अगर इससे बड़ा हो जाए तो ये हो जाएगा इन सारी कंडीशंस को हम यहाँ पर अब टू डिग्री का जो जनरल इक्वेशन है उसमें मैप कर सकते हैं ठीक है अब जैसे हमने बोला कि फोकस डायरेक्टर इस पर लाइक कर जाएगा उसका मतलब क्या है कि अल्फा कॉमा बीटा इसको सेटिस्फाई करना चाहिए तो ऐसा कर ऐसा करने से अल्फा बीटा एम और गामा में एक रिलेशन आ जाएगा वो सेटिस्फाई होना चाहिए उस रिलेशन को जब मैंने इस इक्वेशन के रिस्पेक्ट में ए बी एच जी एफ सी में कन्वर्ट किया तो ए बी सी जी एफ सी में अलग रिलेशन आ जाएगा तो अब मैं केवल रिलेशन लिख रहा हूँ ये सब तो मैंने तुम्हें केवल फील देने के लिए लिखा कि ऐसे हो जाएगा ये ठीक है एग्जैक्टली क्या हो रहा है दैट यू नीड नॉट टू बा बस तुम तो ये याद कर लो ठीक है अगर फोकस डायरेक्टर्स वगैरह दे रखा है तो हमने यहाँ से चेक कर लिया अगर हमें टू डिग्री इक्वेशन दे रखा है तो ये जो कंडीशंस लिख रहे हैं यहाँ से चेक कर लिया ये ठीक है तो इस कंडीशन के रिस्पेक्ट में हम डेल्टा हमने डिफाइन किया ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं पेयर स्ट्रेट लाइन में डेल्टा क्या होता है ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस G स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर ये होता है ठीक है तो केस वन इफ डेल्टा इज इक्वल टू जीरो मेरे को जनरल इक्वेशन दे रखा होगा तो आई एल कैलकुलेट दिस ये वेरीफाई करने के लिए कौन सा कोने के अगर जनरल इक्वेशन नहीं दे रखा है मान लिया मेरे को लाइन का और लाइन का इक्वेशन और ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं एंड ई e बता रखा है तो फिर ये जो मेथड था हमने लोग यहाँ से चेक करेंगे कि फोकस उस पर लाइक like कर रहा है नहीं कर रहा है फिर अगर नहीं कर रहा है तो फिर ई का वैल्यू क्या है उसके हिसाब से हम बता सकते हैं अगर फोकस डायरेक्टरीज की बात ना की जाए केवल ऐसे टू डिग्री का इक्वेशन दे रखा हो फिर बोला जाए कि बताओ क्या है तो उसके लिए आप ये कंडीशन लिख रहे हैं कि अगर डेल्टा जीरो होगा तो पेयर स्ट्रेट लाइन होगा ठीक है पेयर स्ट्रेट लाइन में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी केस टू अगर डेल्टा जीरो नहीं है देन इट विल बी आइदर पैराबोला और एलिप्स और हाइपोला ये ठीक है वो किस पर डिपेंड करेगा वो पैराबोला इफ एच स्क्वायर इज इक्व टू ए बी ठीक है ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आ गया यहाँ पर अगर एच ए और बी में अगर ये रिलेशन सेटिसफाई और हो जाए डेल्टा तो जीरो नहीं है उसके बाद अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई हो जाए तो पैराबोला ये ठीक है इट विल बी एलिप्स ellipse if h square is less than ए बी एंड इट विल बी हाई पोला इफ एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए ठीक है तो वेरी क्विकली अगर मेरे को फोकस और डायरेक्ट दे रखा है तो मैंने फोकस को डायरेक्ट में रख के देखा अगर वो सेटिस्फाई कर जाए तो पेयर स्ट्रेट लाइन आएगा और उसके बाद जो ई e है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू आना चाहिए अगर फोकस डायरेक्ट को सेटिस्फाई ना करे तो फिर e के वैल्यू को देख के हम बता सकते हैं कि अगर e एक के बराबर है तो पैराबोला e एक से छोटा है तो इलेप्स e एक से बड़ा है तो हाइपरबोला ठीक है ये तो एक चीज़ हो गया और दूसरा अगर मेरे को टू डिग्री का इक्वेशन दे रखा हो कॉनिक का इक्वेशन दे रखा हो मतलब फोकस और डायरेक्टेस ना दे के कॉनिक काव का इक्वेशन देखा हो तो फिर हमने डेल्टा चेक किया अगर डेल्टा जीरो तो पेरो स्ट्रेट लाइन अगर डेल्टा जीरो नहीं है उसके बाद एच स्क्वायर माइनस ए भी डिसाइड करेगा कि इलेक्स है पैराबोला या हाइपरबोला है ठीक है तो आई होप दिस इज क्लियर और एक छोटा सा क्वेश्चन कर लिया फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉनिक फॉर विच फोकस चलो ज चेंज के लिए फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पी सच दैट पी एस इज इक्वस टू टू पी एल वेयर एस इज वन कॉमा वन एंड एल इज एक्स प्लस टू वाई इज इक्वस टू थ्री ठीक है ये क्वेश्चन है तो सोल्यूशन सोल्यूशन वापस क्या दे रखा है पी का डिस्टेंस एक फिक्सड पॉइंट से एंड पी का डिस्टेंस एक फिक्स लाइन से पी एस PL पी एल क्या दे रखा है टू तो मतलब यहाँ से तुम्हें तो क्या पता लगा कोई नहीं क्या कोई ना कोई फिर उसके बाद हम क्या चेक करेंगे कि जो फोकस है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है ये चेक किया तो वन वन इसमें रखा तो वन कामा वन कर गया तो एज एस लाइज ऑन एल this implies locus will be pair of straight line ठीक है फिर हमने देखा कि e का वैल्यू क्या है दिस इज e तो e का वैल्यू टू है मतलब कुसे थीटा कितना हो गया टू विच एम्प्लॉयज थीटा कितना हो गया पाई बाई सिक्स तो अब हमें क्या पता लगा ये डायरेक्टि l है अच्छा ये ये तो ऐसे डायग्राम बनाने का है आई एम नॉट सेंगे इज हॉरिजॉन्टल है ये तो कोई भी ऐसी जनरल है ठीक है ये फोकस है वन कॉमा वन और ये डायरेक्ट है एक्स प्लस टू वाई इक्वस टू थ्री तो जो हमारे यहाँ रिक्वायर्ड लोकस होगा वो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा जो एक्स प्लस टू वाई इक्व टू थ्री से थर्टी डिग्री पे इंक्लाइन होगा एक इधर थर्टी और एक इधर थर्टी <coughs> तो एक तो अगर मैं अलग अलग इक्वेशन निकालना चाहूँ तो वो निकाल सकते हैं आराम से मान लिया इसका स्लोप एम वन एम टू है तो एम वन को हमें एम टू कितना आ जाएगा इसका स्लोप कितना है माइनस हाफ तो इस लाइन से थर्टी डिग्री पे इंक्लाइन लाइन का स्लोप स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके हैं वो हो जाएगा एम प्लस माइनस टेन थीटा तो एम प्लस माइनस टेन थीटा विल बी टेन थर्टी इज वन बाई रूट थ्री वन माइनस प्लस और उसके बाद ये माइनस और आएगा हाफ का तो वो फिर प्लस माइनस हो जाएगा वन अपॉन टू रूट थ्री तो दिस इज माइनस रूट थ्री प्लस माइनस टू अपॉन टू रूट थ्री प्लस माइनस वन ठीक है तो लाइन वन का इक्वेशन आ जाएगा वन कॉमा वन से पास कर रहा है और ये स्लोप्स हो गए तो एक एक बार एक एक स्लोप ले लिया तो वाई माइनस वन बराबर माइनस रूट थ्री प्लस टू अपॉन टू रूट थ्री प्लस वन एक्स माइनस वन ये तो एक लाइन हो गया एंड एल टू इज वाई माइनस वन इक्व टू माइनस रूट थ्री माइनस टू अपॉन टू रूट थ्री माइनस वन एक्स माइनस ठीक है तो दो लाइन आ गया यही हमारा आंसर ज्वाइंट इक्वेशन निकालना चाहो तो सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाओ इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया तो पेयर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ जाएगा वो फिर टू डिग्री वाला इक्वेशन आ जाएगा ठीक है ओके हम ऐसे भी कर सकते थे कि जैसे पी एस इज इक्वल्स टू टू पी एल दे रखा है ये सब ना चेक करके अगर डायरेक्टली केवल हमें टू डिग्री का इक्वेशन चाहिए तो यहीं से निकाल सकते थे पी एस बराबर टू पी एल मतलब पी एस स्क्वायर बराबर फोर पी एल स्क्वायर पी को जो है जिसका लोकस निकालना है उसको एक्स कॉमा वाई मान लिया ठीक है दिस ऑल्टरनेट मेथड तो पी एस स्क्वायर कितना हो जाएगा फोकस तो वन कॉमा वन है तो एक्स माइनस वन होल स्क्वायर वाई माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वस टू तो फोर टाइम्स लाइन का इक्वेशन क्या तो था एक्स प्लस टू वाई इज इक्वस टू थ्री तो, तो एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री अपॉन रूट फाइव का होल स्क्वायर ठीक है इसको ओपन कर लिया ये एक टू डिग्री का इक्वेशन आ जाएगा वो बेसिकली इन दोनों का ये जो जॉइंट इक्वेशन आएगा वही आएगा तो हम ऐसे भी कर सकते हैं विदाउट ये सब चेक किए हुए ठीक है अगर केवल लोकस का इक्वेशन निकालने के लिए बोल रखा है ठीक है अब वो ऑप्शंस पे डिपेंड करता है ऑब्जेक्टिव में कि जॉइंट इक्वेशन दे रखा है या फिर सेग्रीग्रेटेड इक्वेशन दे रखा है अगर सेग्रीग्रेटेड इक्वेशन दे रखा है और मान लिया मैंने इस मेथड से प्रोसीड किया तो जो आगे टू डिग्री इक्वेशन आएगा उसको क्वाड्रेटिक मान के सॉल्व कर लिया एक्स में या वाई में जो हम ऑलरेडी प्यर ऑस्ट्रेलियन में पढ़ चुके हैं ठीक है अगर सेग्रीगेटेड इक्वेशन चाहिए अगर जॉइंट इक्वेशन चाहिए तो फिर यही लिखा रहनी थी मतलब सिंप्लीफाई करके ठीक है आई होप इज क्लियर सो दिस इज वज बिट इंट्रोडक्शन ऑफ कॉनिक सेक्शन नाउ विल फॉर्मली स्टार्ट विद पैरापोला ठीक है फर्स्ट पॉइंट तो पैराबोला के लिए क्या होगा फॉर पैराबोला ई e बराबर वन एंड फोकस केवल ई बराबर वन बोलने से काम नहीं चलेगा यह समझाता ई बराबर वन में तो पेरोस्टे लाइन भी आ सकते हैं एंड फोकस डज नॉट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स ठीक है तो ये फोकस हो गया सॉरी ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया एल ये फोकस हो गया एस तो पी एस अपॉन पी एल इज इक्व टू वन और पी एस इज इक्व टू पी एल ठीक है ई का वैल्यू वन हो गया तो हमने ऐसे सारे पॉइंट्स ढूंढे, जैसे ये पॉइंट लिया जिसके लिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है तो ऐसे अगर सारे पॉइंट्स ढूंढोगे तो कुछ ऐसे शेप आ जाएगा ठीक है ऐसे शेप क्यों आया बना के देखा तो ऐसे आ गया तो बस कुछ ना कुछ तो आते ही तो ऐसे आ गया तो यही हमारा पैराबोला है ठीक है पी एस बराबर पी एल का मतलब क्या है कि इसके हर पॉइंट के लिए फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्टर से डिस्टेंस ये दोनों बराबर आएगा हमेशा कोई भी पॉइंट ले लिया मान लिया ये पॉइंट ले लिया तो ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस बराबर आएगा तो हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं पैराबुलज लोकस ऑफ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए पॉइंट एंड फ्रॉम ए लाइन या इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए लाइन एंड फ्रॉम ए पॉइंट विच इज़ नॉट ऑन द लाइन ठीक है फोकस अलग रहना चाहिए डायरेक्ट स्पेंड नहीं रहना चाहिए तो इसी को हम ऐसे ही बोल सकते हैं नोट करके पैराबोला इज लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए लाइन एंड फ्रॉम ए पॉइंट नॉट ऑन द लाइन ये ठीक है उस एक लाइन और एक पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है जो उस पर नहीं है मतलब जो पॉइंट उस पर नहीं है। वेरी क्विकली अगर मान लीजिए दो पॉइंट दे दिए जाए हम बोलेंगे इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट पॉइंट का लोकस क्या आएगा तो वो तो परपैंडिकलर बाइसेक्टर आएगा दो पॉइंट से अगर इक्वी डिस्टेंट है ठीक है ये होगा केस वन इसका यहाँ पे कोई यूटिलिटी नहीं है तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ अगर मेरे को दो लाइन दे दिया जाए कि L1, L2, इन दोनों से इक्वी डिस्टेंट पॉइंट का लोकस क्या आएगा तो वो आता है एंग्रा बाई सेक्टर ये ठीक है एग्रो बाई सेक्टर दो होते तो अगर यहाँ से कोई भी पॉइंट लिया इस पर तो वो इन दोनों लाइनों से इक्वी डिस्टेंट होगा ठीक है तो अगर हमने दो पॉइंट लिए दो पॉइंट्स तो आएगा परपेंडिकुलर पैनिकुलर बाई सेक्टर ठीक इफ आई हैव टेकन टू लाइन्स तो फिर आएगा एंगुलर बाईसेक्टर लोकस ऐसे सारे पॉइंट्स एंगुलर बाईसेक्टर पर लाइक करें और केस थ्री अब हो गया कि अगर मैंने एक लाइन ले लिया और एक पॉइंट ले लिया तो फिर पैराबोला आएगा ठीक है अ लाइन एंड अ पॉइंट अगेन ये बोलना जरूरी है कि पॉइंट लाइन पे नहीं है ये ठीक है नॉट ऑन लाइन देन इक्वेशन काहेगा पैराबोला ठीक है चलो जब इतना करें तो ये भी कर लिया कि अगर पॉइंट लाइन पे लाई कर जाए तो फिर ये एक परपेंडिकुलर लाइन आ जाएगा ऐसे ये ठीक है देन मतलब लाइन परपेंडिकुलर मतलब लाइन पैरा लाइन क्यों लिखा है कि लोकस विल बी ए लाइन या ठीक है या बोल सकते हैं कि दो कोइंसिडेंट से डेढ़ लाइन से एक ही बात है perpendicular to गेविन line and passing through point ठीक है ध्यान से पढ़ लिया ये कि हमने क्या क्या बोला है दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट पॉइंट का लोकस परपैंडिकुलर बाई सेक्टर दो लाइन से इक्वी डिस्टेंट पॉइंट का लोकस एंगुलर बाई सेक्टर एक पॉइंट और एक लाइन से इक्वी डिस्टेंट पॉइंट का लोकस पैराबुला अगर पॉइंट लाइन पर नहीं है एंड स्ट्रेट लाइन अगर पॉइंट लाइन पे है मतलब तो अगर फोकस लाइन पर ठीक है, ओके okay. अब हमने लिखा स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड टर्मिनोलॉजी जैसे सर्कल में हमने ऐसे किया था कि सेंटर जो है वो ओरिजिन मान लिया स्टैंडर्ड सर्कल के लिए और रेडियस आर मान लिया तो उसका इक्वेशन क्या एक्स एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर तो वो एक स्पेशल केस हो गया जनरल केस नहीं हुआ ठीक है जनरल इक्वेशन तो सर्कल कहसेस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू है वाई प्लस सी इज इक्वस टू जीरो तो ऐसे हम पैराबला नहीं करेंगे पैराब्ला में एक तो जनरल पैराब्ला हो सकते हैं एक हमने क्या किया स्टैंडर्ड पैराब्ला लिया ये ठीक है मतलब हमने फोकस और डायरेक्टिस को एक पर्टिकुलर जगह पर ले लिया तो अब वो ही कर रहे हैं ये मान लिया एक्स एक्सेस है हमने मान लिया फोकस को ले लिया ए कॉमा जीरो ठीक है और डायरेक्ट्रिक्स को ले लिया वर्टिकल लाइन ये ठीक है मान लिया डायरेक्ट्रिक्स है और इसका इक्वेशन क्या ले लिया एक्स प्लस है ये पॉइंट मान लिया n है y एक्स एस ये मान लिया o है तो अब हमने वो सारे पॉइंट ढूंढे जिसका डिस्टेंस S से और इस लाइन से बराबर है तो ऐसा एक पॉइंट तो ओरिजिन भी ओरिजिन का ऐसे डिस्टेंस ये हो गया और इस लाइन से डिस्टेंस ये हो गया यही पर पैनिकुलर डिस्टेंस है तो ऑरिजिन भी पैराबोला पे आना चाहिए तो इस केस में जो बेसिकली हमारा पैराबोला का शेप बनेगा इट विल लुक लाइक दिस ठीक है ये पैराबोला है फोकस जो है और डायरेक्टिस जो है वो पैराबोला को सेटिस्फाई नहीं करेगा पैराबोला तो यही डायग्राम है जो अभी हमने बनाया है ये वाला डायग्राम पैराबोला पाराग्रा है फोकस और डायरेक्टिस तो इस पैराबोला के रिस्पेक्ट में डिफाइंड क्वान्टिटीज़ हैं ठीक है जैसे सर्किल होता है सर्किल तो पेरीफेरी होता है केवल okay, सेंटर जो होता है वो सर्किल के ऊपर थोड़ा लाई करता है या सेंटर के जो कॉर्डिनेट्स हैं वो सर्किल के इक्वेशन को नहीं सेटिस्फाई करेगा वैसे यहाँ पे भी है कि जो फोकस है उसके कोऑर्डिनेट पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा दिस इज पैराबला ठीक है और इफ आई एम टेकिंग एनी पॉइंट पी तो इस पॉइंट का से डिस्टेंस ये और ये दोनों इक्वल होगा ठीक है तो पी मान लिया मैंने कोई जनरल पॉइंट ले लिया कॉमा वाई तो डायरेक्ट इसका इक्वेशन क्या है एक्स प्लस ए इज इक्व टू जीरो तो लेट मी क्विकली कैलकुलेट पी एस बराबर पी एल बोले या पी एस स्क्वायर बराबर पी एल स्क्वायर तो पी तो एक्स कॉमा वाई हो गया और एस फोकस ए कॉमा जीरो हो गया तो ये कितना हो जाएगा एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर इक्व टू लाइन एक्स प्लस ए से डिस्टेंस पॉइंट पी का तो हो जाएगा मॉड एक्स प्लस ए अपॉन रूट ओवर वन स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर ये तो हो गया पी एल का स्क्वायर एक्स का कोविशन वन है तो वन स्क्वायर वाई है ही नहीं तो उसका जीरो तो, जाएगा, plus plus x. तो x square, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस ए स्क्वायर स्क्वाई स्क्वाज टू एक्स स्क्स तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वा कैंसिल हो गया यहाँ से आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वस टू फोर एक्स तो ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गया दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ठीक है इस पैराबोला के लिए तो अब हम इस पैराबोला के करस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज डिफाइन कर लेते हैं ठीक है फर्स्ट पॉइंट स्टैंडर्ड इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वस टू फोर एक्स एंड वी हैव टेकन ए पॉजिटिव ओके सेकेंड इस पैराबला के लिए मतलब वाइस करेजिको तो फोर एक्स के लिए फोकस कहाँ पाएगा विल बी ए कामन जीरो अच्छा जो फोकस होगा वो पैराबला के अंदर लाई करेगा ठीक है जो कॉन्केव साइड होगा उसमें फोकस लाई करेगा और डायरेक्ट्रिक्स बाहर होगा ठीक है तीसरा डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा x प्लस ए इज इक्व टू जीरो सब याद करना है ठीक है फोर्थ पॉइंट क्या है कि जैसे ये जो लाइन है वाई एक्सेस तो यहाँ पे जो अभी हमने ऊपर डायग्राम बनाया ये डायरेक्ट्रिक्स है ये जो लाइन है ये फोकस से पास कर रहा है और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है ठीक है तो इस वाले केस में तो ये लाइन एक्स एक्सिस है तो डेफिनेशन वाइज वो लाइन जो फोकस से पास करे एंड डायरेक्ट्रिक्स के परपैंडिकुलर हो दैट इज कॉल्ड एक्सेस ऑफ द ये ठीक तो एक्सेस ऑफ पैराबोला का मतलब क्या है लाइन थ्रू फोकस मतलब पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सेस ऑफ पैराबोला इट इज़ ऑल्सो लाइन ऑफ सिमिट्री ठीक है मतलब जो चलो ऊपर वाला डायग्राम देख लें ये जो एक्सेक्सेस है ये ही पैराबुला का एक्सेस है तो दिस इज एक्सेस ऑफ पैराबोला इस वाले केस में ये एक्सेक्सेस भी है बट अगर पैराबुला मान लिया हम टेल टेड ऐसे कहीं रख दें ये ठीक है ये एक्स एक्सेस है ये, ये वाई एक्सेस है तो ये भी पैराबोला है बट इस बार एक्सेस ये हो जाएगा पैराबोला का एक्सेस इस लाइन के अबाउट पैराबोला सिमेट्रिक है या फिर हम ये बोल सकते हैं पैराबोला अपना मिरर इमेज है ये ठीक है इस लाइन में तो इसको एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी बोल सकते हैं ठीक है तो ये एक डेफिनेशन हो गया कुछ भी नहीं और इसका इक्वेशन क्या होगा वाई इज इक्वल टू तो जीरो स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए अभी जो हम सब कुछ लिख रहे हैं ये इस पैराबोला के लिख रहे हैं तो इसका इक्वेशन क्या है वाई इज इक्व टू जीरो और इस वाले केस में दिस इज एक्स एक्सेस ठीक है अगेन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें पैराबोला स्टैंडर्ड हो जरूरी नहीं है पैराबोला तो और कहीं पर भी आ सकता है तो अगर क्वेश्चन में कभी भी ये बोला जाए कि पॉइंट इज टेकन ऑन एक्सेस ठीक है तो इट विल मीन इट विल ऑलवेज मीन का एक्सेस नॉट एक्स एक्सेस अगर एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस होगा तो उसे बोलना पड़ेगा कि नाम लेके बोलना पड़ेगा एक्सेक्सेस या वाई एक्सेस से बट अगर कुछ भी नहीं बोला है केवल एक्सेस बोला है और पैराबोला से रिलेटेड क्वेश्चन है तो दैट इज पक्का एक्सेस ऑफ पैराबोला ठीक है फिफ्थ पॉइंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सेस मतलब पैराबोला के एक्सेस एंड कव कव मतलब पैराबोला इस कॉल्ड वर्टेक्स ठीक है जहाँ पे एक्सेस मतलब जो लाइन ऑफ सिमेट्री और पैराबोला दोनों जहाँ पे कट करेगा उसको क्या बोलेंगे वर्टेक्स तो इस वाले केस में ये तो पैराबोला हो गया ये तो पैराबोला हो गया और ये एक्सेस हो गया ठीक है तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या ये तो ये पॉइंट वर्टेक्स हो गया इस केस में ठीक है अगर पैराबोला ऐसे बना रखा है तो ये वाला पॉइंट वर्टेक्स है ठीक है तो हमारे वाले केस में तो क्या हो गया ऑरिजिन ठीक है तो हियर वर्टेक्स विल बी जीरो कॉमर जीरो ठीक है ये एक क्वांटिटी और डिफाइन किया फिर सिक्स पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सेस इज कॉल्ड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये ठीक है ये एक नया टर्म आ गया ये सारे टर्म्स याद रखने क्योंकि क्वेश्चन में तो इसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देंगे हम तो हमें पता हम जो कौन सा पॉइंट क्या है किसको क्या बोला है तो अभी हमने क्या बोला है एक्सेस मतलब एक्स एक्सेस एंड डायरेक्ट्रिक्स मतलब ये वाला लाइन हो गया इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है पॉइंट एन ये ठीक है दिस इज कॉल्ड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये पॉइंट फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है अगर ये पॉइंट एक्स एक्सेस पे लाई कर रहा है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट पक्का क्या होना चाहिए जीरो एंड एक्स प्लस ए बराबर जीरो लाई कर रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट होना चाहिए माइनस ए तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है एन और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है माइनस एक्वा जीरो तो यहाँ पे वापस आ गए फोटो डायरेक्टर्स क्या है n एंड उसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है माइनस ठीक जीरो ये क्वान्टिटी हो गया फिर ऑल टर्म्स डिफाइन करते हैं ठीक है कॉर्ड्स पैरेंडिकुलर टू एक्सेस आर कॉल्ड डबल ऑर्डिनेट ठीक है कॉर्ड्स का मतलब क्या होता है कर्व के किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला तो जैसे अगर मान ये वाला, वाला है तो इस को इसको और इसको ज्वाइन किया तो ये भी एक कॉर्ड है ये भी एक कॉर्ड है सेम तरफ दोनों पॉइंट ज्वाइन किया तो ये भी एक कॉर्ड है ठीक है तो अभी हमने क्या बोला कि कौन सी कॉर्ड जो एक्सेस के परपेंडिकुलर हो तो एक्सेस तो यहाँ पर एक्स एक्सेस है तो इसके परपेंडिकुलर कॉर्ड क्या होगा वर्टिकल तो ये जो वर्टिकल कॉर्ड है ऐसी तो इनफाइनिट कॉर्ड्स है तो ऐसी इनफाइनिट कॉर्ड्स को हम क्या बोलेंगे डबल ऑर्डिनेट डबल ऑर्डिनेट ठीक है इसमें कोई स्पेशलिटी नहीं है मतलब ये भी डबल ऑर्डिनेट है फिर अगर मैंने ऐसे लाइन खींचा और कहीं तो ये भी डबल ऑर्डिनेट है तो ऐसे तो इन्फाइनेट डबल ऑर्डिनेट्स हैं ठीक है फिर एक ऐसी सुन लिया आई वॉन्ट डिफाइन अगेन फोकस से अगर कोई कॉर्ड पास करे ये ठीक है जैसे इस कॉर्ड को मैंने आगे बढ़ा दिया तो अब ये जो पूरा कॉर्ड आया यहाँ से ले यहाँ से लेके यहाँ तक ये फोकस से पास करें तो दिस इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड दिस इज टू ऑब्वियस टू मेंशन फोकस फोकल कॉर्ड का मतलब क्या होगा जो भी फोकस से पास करें ठीक है सेवन पॉइंट एट पॉइंट डबल ऑर्डिनेट सॉरी ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस इज कॉल्ड लेटर्स रखता हूँ ये स्पेशल है ये यूनिक आएगा मतलब डबल ऑर्डिनेट मतलब जो एक्सेस के पर कॉर्ड हो अब वो पर्टिकुलर डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से भी पास कर जाए तो फोकस से पास कर जाए और एक्सेस के पर हो तो ये आएगा ये ठीक है ये जो कॉर्ड है फोकस से पास कर हैं एंड एक्सेस के पर है दिस इज कॉल्ड डबल ऑर्डिनेट ठीक है तो दिस इज डबल ऑर्डिनेट ओ सॉरी डबल ऑर्डिनेट तो बोल दिसटस रैक्टम दिस इज लेटस रैक्टम ठीक है ये वाला पॉइंट मान लिया एल है ये वाला पॉइंट मान लिया एल डैश है तो ये जो पूरा कॉर्ड है एल एल डैश इसके एंड पॉइंट्स क्या हैं एल एंड एल डैश तो ये जो दो पॉइंट्स आया L L', है एल एंड एल डैश दीज विल बी कॉल्ड एंड्स ऑफ लेटर दिस टू ऑबियस पूरा कॉल्ड लेटर सैक्टम में तो उसके कोने वाले ये एंड पॉइंट्स क्या हो गए एंड्स ऑफ लेटर सेक्टम अब बिकॉज ये वर्टिकल है तो इस वर्टिकल लाइन पर तो एक्सक्वानेट सबका बराबर रहता है तो इस वर्टिकल लाइन पर तो फोकस भी है फोकस का एक्सक्नेट कितना है ए तो इसलिए एल एंड एल डैश का एक्सकॉर्नेट कितना रहेगा ठीक है अब जो पैराबोला है उसका इक्वेशन क्या है वाई स्क्वायर इज इक्व टू फोर एक्स जो एल पॉइंट है इसका मेरे को एक्स कोऑर्डिनेट पता है ए बिकॉज एल पैराबोला पे लाई रहा है तो इसलिए उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करके आई कैन फाइंड वाई कोऑर्डिनेट ठीक है तो यहां पे पहले तो एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम विल बी एल एंड एल डैश और जिनके एक्स कोऑर्डिनेट दोनों के कितने हैं ए वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमने क्या किया वाई स्क्वायर इज ईक्व टू फोर ए एक्स में एक्स की जगह पे ए रख दिया तो आ गया वाई स्क्वायर इज ईक्व टू फोर ए स्क्वायर या वाई इज इक्व टू प्लस माइनस टू ए ठीक है तो एल और एल डैश दो पॉइंट हैं दोनों के लिए एक्स कॉर्डिनेट ए है तो इसलिए प्लस माइनस टू ए जो हो गया वो दोनों के लिए y कॉर्डिनेट हो गया मतलब एक के लिए प्लस टू ए हो गया एक के लिए माइनस टू ए हो गया तो ऑब्वियसली इस डायग्राम में जो ऊपर वाला पॉइंट है ये एल इसके कोऑर्डिनेट्स तो हो जाएंगे ए कॉमा टू ए और जो ये नीचे वाला पॉइंट है एल डैश इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ए कामा माइनस टू होप दिस तो एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना हो गया ए प्लस माइनस टू है ए कामा प्लस माइनस टू है दो पॉइंट्स हैं बट यू शुड ऑल्सो की वन थिंग इन टू माइंड कि दीज ऑल थिंग्स आर वैलिड ओनली फॉर दिस पैराबोला विच इज स्टैंडर्ड पैराबोला अगर पैराबोला मैंने कहीं और शिफ्ट कर दिया तो ये सारे कोऑर्डिनेट्स इक्वेशन वगैरह सब डिस्टर्ब हो जाएगी ठीक है अच्छा अगर मैं बोलूँगी इस कॉर्ड का लेंथ क्या है पूरे का तो ये टू ऊपर है टू ए नीचे तो टोटल लेंथ कितना हो गया फोर ए तो लेटस रेक्टम का लेंथ कितना हो जाएगा फोर ए तो एक तो ये चीज़ याद रखना है दूसरा ये भी याद रखना है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्व टू फोर ए होता है ठीक है तो जो इक्वेशन है वाई उसका इज इक्व टू फोर ए एक्स उसमें जो यहाँ पे एक्स का कोफिशेंट है फोर ए वही लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होगा ऐसे भी बोल सकते हैं एंड जैसा मैं बार बार बोल चुका हूँ कि दीज थिंग्स आर वैलिड ओनली फॉर स्टैंडर्ड पैराबोला पैराबोला का अगर हमने इधर उधर शिफ्ट किया तो सब चेंज हो जाएगा ठीक है तो अच्छा वेरी क्विकली अगर मान लिया मेरे को ये पैराबोला पता है ठीक है पैराबोला भले ही टेढ़ा हो ये ठीक है भले ही स्लैंटेड हो वॉट आई कैन से ये मान लिया वर्टेक्स है ये फोकस है एस ठीक है अब इसका अगर मान लिया एक्स एक्सेस यहाँ पे ऐसे है और वाई एक्सेस ऐसे तो अब इसका इक्वेशन वाई स्क्वायर बराबर फोर एक्स टाइप नहीं आएगा अब तो क्या होगा इसके इक्वेशन में इन जनरल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई सब आ जाएगा अगर टिल्टेड पैराबोला है तो ऐसा पैराबोला एस सच सिलेबस में नहीं है ये ठीक कुछ पार्ट इसका सिलेबस में है इक्वेशन वगैरह सिलेबस में नहीं है जो पार्ट सिलेबस में है दैट विल डिस्कस बट अभी हम क्या डिस्कस करना चाहते हैं कि जैसे ये वर्टेक्स है ये फोकस है तो ये डिस्टेंस ए होगा ठीक है ये वाला डिस्टेंस भी ए होगा और ये डिस्टेंस कितना होगा फोर ए टोटल ठीक है तो अगर मैंने बोला कि एक पैरा बोला है जिसके लिए लेटर सैक्टम मान लिया ट्वेंटी मान लिया ट्वेंटी उसका उन्होंने क्या लगा कि फोर ए ट्वेंटी हो गया तो ए बराबर फाइव आ गया ठीक है तो अगर मेरे को फोकस पता है एस ठीक है और डायरेक्टेस पता है मान लिया डायरेक्टेस या फिर एक्सेस पता है मान लिया ऐसे तो इससे मैंने फ़ाइव डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा वर्टेक्स क्योंकि ए डिस्टेंस पे एक्सेस के ऊपर ठीक है फिर उससे फाइव डिस्टेंस और दूर एक पॉइंट लिया और वहाँ से हम अगर मैं मैंने परपेडिकुलर लाइन ड्रा कर दिया ठीक है दोबारा क्या बोलना चाह रहे हैं कि मेरे को फोकस पता है और एक्सेस पता है एक्सेस मतलब पता है किधर स्लैंटेड है कौन सी लाइन एक्सेस है और मान ली मेरे को ए बता दिया जाए ठीक है मतलब फोर ए बता दिया हमने बोला कि चलो लेंथ ऑफ लेटर ट्वेंटी है तो वहाँ से मेरे को क्या पता लगा कि ए बराबर कितना है फाइव तो मैंने क्या किया फ़ोकस से फाइव डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया ठीक है वो वर्टेक्स हो गया उससे फाइव डिस्टेंस और आगे एक पॉइंट लिया वो फुट ऑफ डायरेक्ट्रेस हो जाएगा ये अभी पढ़ के आ रही वहाँ फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स से मैंने एक्सिस के परपैनिकुलर एक लाइन खींचा तो ये क्या हो गया डायरेक्ट्रिक्स और फोकस पता है तो अगर डायरेक्ट्रिक्स और फोकस पता है तो अब एक यूनिक पैराबोला आ जाएगा ठीक है क्योंकि पी एस अपॉन पी एल करना होता है वन तो डायरेक्ट्रिक्स और फोकस अगर मेरे को दे रखा है तो एक ही पैराबोला आएगा अच्छा जो डिस्टेंस है वो हम मैसेज कर सकते थे कि पाँच इधर ले लिया तो ये वर्टेक्स हो जाएगा फिर उसके पाँच और आगे ले लिया तो इधर आएगा। तो ऐसे भी हो सकता है मतलब दो पैराबोला आ जाएगा और एक आ जाएगा। बट वट आई एम ट्राइंग टू एम्फेसाइज कि पैराबोला की करेक्टरिस्टिक में अगर मैंने केवल ए बता दिया तो पैराबोला का शेप फिक्स हो गया ठीक है क्यों पैराबोला का शेप फिक्स हो गया इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने दो पैराबोला लिए जिनके लिए ए का वैल्यू बराबर है या फिर फोर ए बराबर है तो वो दोनों एग्जैक्टली सेम बनेगा शेप में तो अगर मान लीजिए मैं एक पैराबोला मैंने ऐसे बनाया कि यहाँ पर यह मान लिया ए बराबर टू के लिए और एक पैराबोला यहाँ पे बनाया ए बराबर टू के लिए ये दोनों एग्जैक्टली सेम होगा मतलब मैं इसको उठा के अगर इसके ऊपर रखूँ तो कम्प्लीटली ओवरलैप करेगा क्योंकि ए के अलावा कुछ है ही ठीक है अगर पॉइंट और डायरेक्टर्स वगैरह की डायरेक्शन दे रखी तो तो हैंस हम क्या बोल सकते हैं एक टर्म हमने डिफाइन किया टू पैराबुलाज आर कॉल्ड टू बी आर सेट टू बी इक्वल अगर उनके लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम बराबर है मतलब इसेंशियली हम क्या बोलेंगे ए बराबर है तो इसको याद रख लिया ये ठीक है टू पैराबलाज आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये ठीक है तो यहाँ पे हमने बेसिकली ये चीज डिफाइन किया है दो पैर आप लोगों को इक्वल कब बोलते हैं तो कब इक्वल बोलते हैं जब उनके लिए ए बराबर हो ए बराबर है तो फोर ए बराबर होगा तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी बराबर होगा ये ठीक है कुछ बुक्स में यू विल फाइंड कि लेट्स रेक्टम को एल आर लिखते हैं ठीक है ये समझ में आना चाहिए और एक ये भी चीज है कि लेटस रेक्टम जो है इसका जो प्लूरल है प्लूरल इन बुक्स समाइन कि वो कुछ ऐसे होता है लेटरा रेक्टा ये ठीक है ये प्लूरल है सिंगुलर तो लेटस रेक्टम हो गया और प्लूरल क्या हो गया लेटरा रेक्टा कुछ ऐसे हो गया ठीक है जस्ट ये ऐसे ही बता दिया कि कहीं अगर बुक्स में तुमने पढ़ा तो तुम्हें समझ में आ जाएगी क्या बोला जा रहा है ठीक है ओके